साथियों, आज हम आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमार दीन में। आज हम करेंगे NIOS क्लास 12 पेंटिंग 332 का TMA हिंदी मीडियम यानी चित्रकला। तंजोर के किसी भी अन्य चित्रकला शैली में मिश्रण उदाहरण सहित इस कवन की पुष्टि करें। दक्षिण शैली आपको आसपास के क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय क्यों हो गई है? तो तंजीरी कला का अत्यधिक जो संकल्प दिलचस्प है, क्योंकि यह विभिन्न चित्रकला शैलियों का मिश्रण है। इसकी दक्षिण भारतीय चित्रकला की धारणा है, जैसे कि दक्षिण राजस्थान और तमिलनाडु के धने रंग और डिटेल्ड मोटिफ का संयोजन। ये शैली उदाहरण रूप से वैष्टीकरण और ऋषिगिर में चित्रकला कार्यों में पाई जाती है। प्रश्न 2 है, ऐसा क्यों कहा जाता है कि बेली के चित्रकार कृष्टि सीमा के कलियाकरण से प्रभावित है और इन्हें अपने चित्रों में रोमांटिक रूप से इस्तेमाल करते हुए बोली चित्रकला का कोई एक नाम लिखिए? तो इसका जवाब भी है, बेली चित्रकला जो है एक प्रमुख नाम राजा रवि वर्मा है, इनके बारे में पूरा आप ये लिख दीजिए और भी इनके बारे में अगले पेज पे सारा लिख। इसके बाद तीसरा सवाल है, ताजमहल की प्रयोग किए गए पत्थर का नाम तथा उसके रंग के बारे में। संगमरमर लगाया और अंग्रेजी में मार्बल कहा जाता है, ये सारी बातें आप उसमें लिख सकते हैं। चौथा सवाल है, चित्र फाल्कन ऑन इनवर्ड स्टेट का ध्यान से देखें। ये उत्साह मैसूर की कला का एक शानदार उदाहरण है, इसे अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। तो ये चित्र उत्साह मैसूर का कला है, इसके बारे में सारा आपको लिखना है, ठीक है, सारा लिख दीजिएगा। उसके बाद जो है ये भी लिखना है। पांचवा सवाल है, रंग राम किंकर ने मूर्ति कला के किस प्रकार को प्रयोग किया और राम किंकर के किस एक मूर्ति का नाम लिखिए और उसका वर्णन करिए। तो है राम किंकर भारतीय कला के प्रमुख मूर्ति कलाकारों में से एक थे और उन्होंने अपने कार्यों में विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया। उन्होंने मूर्ति कला कार्यों में प्रमुख धातुओं पत्थर लकड़ी तांबे और चांदी का प्रयोग किया। उन्होंने यह सामग्री अपनी कला को अत्यधिक रूप और लिए किया। तो ये सारी बातें आप इसमें लिखिएगा, ठीक है। आखिरी सवाल है इसके अंदर, मानव के निर्माण की प्रकृति वस्तु के क्या अंतर है? प्रत्येक वस्तु का कम से कम 2 चित्र बनाएं। तो चित्र जो है वो आपको उसमें मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड करके लगा लीजिए। बाकी सब में ये सारी बातें आप लिख लीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में चित्र लगा दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, बाकी में लिख दीजिएगा। तो ये आपका पेंटिंग का प्रैक्टिकल था, असाइनमेंट था सॉरी। पसंद आया तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।